ये एक एग्जांपल है थर्मोडायनेमिक्स का, इसको सॉल्व करते हैं, आप एक बार ट्राई कर लीजिए। और मुझे दिया गया है ये वैल्यू, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 8.2 पर, पी इक्वल टू ई की पावर -2। मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, सारी वैल्यूज निकाली है, V1, V2, V3, तो सीधा P की वैल्यू रख दीजिए 0.2 पर, 1 बाई ई वी की पावर e की पावर -V। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं e की पावर -1 और e की पावर -V, ये V2 हो जाएगा हमारे पास। और V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1। यहाँ V हर जगह लीटर में मान लीजिए दिया गया है, और ये प्रेशर एटीएम में दिया गया है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट नहीं दिया जाता, तो हम इस तरह से ले सकते हैं V2 की वैल्यू दिस। फिर हम बात करते हैं एट पॉइंट थर्ड, वहां पर भी हमारे पास P इक्वल टू E के पावर -V, और P की वैल्यू क्या दी गई है आपके पास, 1 बाई ई स्क्वायर। और अब आपको यहाँ पर V3 की वैल्यू मिल जाएगी, और V3 की वैल्यू कितने मिलेगी आपको, जल्दी से बताएं, 2 लीटर। समझ में आ रहा है, तो आपने यहां तक तो निकाल लिया बहुत इजी वे में, लेकिन अगर आपको ये V1 भी निकालना है, तो V1 कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहां दिया गया है कि ओरिजिन से पास हो रही है, तो हमने सिमिलर ट्रायंगल रूल लगा दिया, सिमिलर ट्रायंगल रूल, ट्रायंगुलर रूल। अब ये रूल कैसे बनेगा, मान लीजिए ये ओरिजन है, ओरिजन को हमने ओ बोल दिया, और ये हमारे ए, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट हमने मान लिया, और ये यहाँ पर हमारे पास सी, ये डी, और ये ई पॉइंट, और ये एफ पॉइंट, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये देखिए, ओ ए डी ट्रायंगल, ओ ए डी ट्रायंगल एंड ओ बी ई ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, तो हमारे लिए सिमिलर ट्रायंगल कौन से, ओ ए डी ट्रायंगल इज इक्वल टू सिमिलर ओ बी ई ट्रायंगल। और इनके लिए हमारे लिए ओ डी सॉरी हाँ ए डी, ए डी लेंथ डिवाइडेड बाय, ए डी डिवाइडेड बाय दिस वन ओ डी इज इक्वल टू बी ई डिवाइडेड बाय ओ ई। अब बता सकते हैं ए डी की वैल्यू कितनी है, ए डी की वैल्यू आपके पास है इस जगह, ए डी की वैल्यू है 1 बाय ई स्क्वायर, और ओ डी की वैल्यू V1। दूसरी तरफ बी ई की वैल्यू कितनी है, बी ई की वैल्यू है आपके पास 1 बाय ई, और ओ ई की वैल्यू आपको, ओ ई की वैल्यू आपके पास है V2, और V2 आपको दिया गया है 1 लीटर। तो इससे आपके पास V1 आ जाएगा 1 बाय ई, 1 बाय ई, ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, आपको याद होगा। तो ये एक पॉइंट हो गया हमारे पास, एक आंसर ये हो गया V1, एक आंसर हो गया V2, और एक आंसर हो गया था V3। ये तीनों आंसर आपके सामने हैं, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? क्या हमसे कुछ और पूछा जा रहा है, यानी हमने एक पार्ट तो निकाल लिया, हमसे पूछा जा रहा है सी पार्ट, हम पहले निकाल रहे हैं, फाइंड एन इक्वेशन फॉर 1 2, 1 2 की इक्वेशन निकालनी है, 1 और 2 की, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, अब बात कर रहे हैं हम सी पार्ट की, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई, वाई क्या है यहाँ पर, पी प्रेशर, एक्स क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम वी, और सी क्या है यहाँ पर, 0, क्योंकि इंटरसेक्शन ओरिजिन से आ रहा है, बस हम, हमें क्या निकालना है, एम, ये जो एम है पी, एम कैसे निकालेंगे हम, एम, एम स्लोप है, स्लोप हम ऐसे निकाल सकते हैं, स्लोप दिस डिवाइडेड बाय, यानी देखा जाए तो स्लोप हम किसी से भी निकाल सकते थे, हमने लिया ए डी डिवाइडेड बाय ओ डी, जो कि अपने पास ए डी की वैल्यू क्या है आप बता सकते हैं, ए डी की वैल्यू 1 बाय ई स्क्वायर अपॉन 1 बाय ई, V1 हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो इस तरह से हमारे पास m की वैल्यू क्या आ रही है, 1 बाय ई, तो हमारे पास p इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बाय ई। क्या ये स्लोप आपके पास आ रहा है, पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये आपके पास स्लोप आ गया, ये इक्वेशन किसकी आएगी, p इक्वल टू e बाय v की, ये आ रही है आपके 1 2 प्रोसेस की।
आपने दो पार्ट निकाल लिए, बी एंड सी। अब आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट। अब ए की वैल्यू निकालते वक्त आपको क्या दिमाग में रखना है, ए के लिए क्या डेल्टा ई डेल्टा एच 0 होंगे? हाँ 0 होंगे, तो ये भी आपका आंसर हो गया ए वाला पार्ट का, केस ए। केस सी और केस बी, तो आपका ए बी सी पूरा पार्ट बाकी है, हो चुका है, बस एक पार्ट बाकी है और वो है क्यू और डब्ल्यू निकालना। और आप अच्छे से जानते हैं अगर मैं सी की बात इसी के अंदर बात करूं, क्यू की वैल्यू तो वो माइनस डब्ल्यू के बराबर होती है, तो दोनों में से एक वैल्यू निकाल दिया तो दूसरा आंसर अपने आप आपके पास आ जाएगा। तो क्या आप मेरे साथ इस जगह डब्ल्यू निकाल सकते हैं? हाँ। डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, एक लाइन लिखते हैं, यहां तक उतार लीजिए आप जल्दी से। तो देखिए डेल्टा टी 0 रहता है साइक्लिक प्रोसेस में, इसलिए डेल्टा ई और डेल्टा एच क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन अब आपका पॉइंट है कि डब्ल्यू कैसे निकाला जाए, तो वो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, डब्ल्यू निकालना है हमारे को और हम एक साइक्लिक प्रोसेस के अंदर डब्ल्यू निकालने जा रहे हैं। तो हम W निकाल रहे हैं, तो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से वापस हमें 1 जाना है, समझ में आ रहा है? तो हम इसको समेशन रूल रखेंगे इस तरह से, माइनस पी डी वी, ये फॉर्मूला होता है, और एक तरह से हमारे लिए ये साइक्लिक हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, माइनस पी डी वी, माइनस पी डी वी, कितने प्रोसेस है हमारे पास, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, तो ये हमारे पास हो गया तीनों प्रोसेस। क्या आप मेरे को बता सकते हैं 1 से 2 के लिए P की वैल्यू क्या होगी, और ये V1 हमारे पास क्या होगा, V1 होगा हमारे पास 1 बाय E, 1 बाय E, आपने V1 निकाल दिया था मेरे साथ, 1 बाई ई, ये 1 और ये 2, तो 1 बाई ई से हम कहाँ गए, 1 से 2, और 2 पर प्रेशर वॉल्यूम कितना था 1। पी की वैल्यू क्या थी, पी की वैल्यू इस जगह पी की वैल्यू थी, आपको याद होगा अपन ने निकाल रखा है पी का यहां पर, 1 बाय ई डी वी, इज दैट क्लियर? पी की वैल्यू 1 बाय ई है इस प्रोसेस के लिए, 1 से 2 के लिए। फिर हम बात करते हैं माइनस वी, V2 की वैल्यू क्या है आपके पास, V2 की वैल्यू है आपके पास 1 और V3 की वैल्यू है आपके पास 2 लीटर। P की वैल्यू यहां पर क्या है, E की पावर माइनस V dV, ये भी हमने कर लिया, P की वैल्यू रख रहे और कुछ भी नहीं। V3 की वैल्यू आपके पास 2 और V1 की वैल्यू है 1 बाय E, और P की वैल्यू इस जगह कांस्टेंट है क्योंकि ये आइसोबारिक प्रोसेस है। अब देखिए, तो 1 बाय ई स्क्वायर डीवी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 1 पी की वैल्यू कितनी है, 1 बाय ई स्क्वायर, और यहां हमारे पास 2 से हम कहां तक गए, सीधा 1 बाय ई। एनी डाउट, हर जगह हमने पी की वैल्यू रखी है, यहां 1 बाय ई था, यहां 1 ई की पावर माइनस वी था, यहां 1 बाय ई स्क्वायर डीवी है, बोलो। हाँ बेटा, यहां 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 क्या था हमारे पास, ई ई बाय वी था, हमने निकाला था, हमने याद करो क्या था, वी बाय ई था, तो वी बाय ई लिखिए। और कोई डाउट, अब इसका क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन कर लोगे कैसे, माइनस ये लिमिट लगाएंगे हम बाद में, तो पहले तो बताइए v का इंटीग्रेशन करके क्या आएगा, v स्क्वायर बाय 2, तो ये हमने रखा यहां पर v स्क्वायर बाय 2 e, e तो यहां कांस्टेंट है और लिमिट रहेगी 1 बाय e से 1। फिर e की पावर माइनस v का इंटीग्रेशन बताएं आप क्या होगा, माइनस v e की पावर माइनस v अप माइनस v, सही है? तो ये माइनस माइनस बाहर ले जाते हैं, प्लस हो गया,
ओके, तो मैं चाहता हूं हर चीज प्लस में आए, तो इसलिए अभी एक लाइन और लिख लेते हैं पहले, माइनस यहां 1/e स्क्वायर, 1/e स्क्वायर ही रहेगा, और ये क्या रहेगा v, और लिमिट क्या रहेगी यहां पर 2 से 1/e, बोलो यस। अब मैं चाहता हूं सारी लिमिट पॉजिटिव दिखे, तो पॉजिटिव लिखे तो अंदर ले जाओ, इस लिमिट को उल्टा कर दो आप, वी स्क्वायर अपॉन 2e, लिमिट उल्टा करने से हमारे पास ये चीज आ जाएगी, ये तो वैसे ही हो जाएगा 1/e स्क्वायर वी 1/e, और ये 2, लिमिट हमने उल्टा कर दिया, यहां जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि अंदर ही माइनस था। अब लिमिट को रख दो आप, v की वैल्यू जैसे ही आप रखोगे v स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, वन पहले तो 1/2e तो कॉमन ले लो, v स्क्वायर 1/e स्क्वायर माइनस 2e, 1/e स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1/e स्क्वायर, तो इसकी वजह से हुआ, तो ये हो जाएगा 1/2e³, समझ में आ गया, 1/2e तो था ही, तो ये 2e³ हो गया, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 1/e² माइनस 1/e, समझ में आ रहा है, और ये वैल्यू हो जाएगी 2, और तो जैसे ही 2 रखोगे 2/e माइनस 1/e थी ना लिमिट, तो 1/e रखते ही ये कितना हो जाएगा 1/e² लिमिट रखना आपको आता ही है, और यूनिट बनेगी एटीएम लीटर। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा और ज्यादा इजी वे में लिख दो जो आप कर सकते हो, करिए इसको, मुझसे गलती यहां हो रही है कि मैंने 1/2e कॉमन ले लिया था, उसके बाद भी रख रहा था, ठीक है आप ध्यान रखें गलती ना करें, एक बार चेक कर लें, बिल्कुल सही जा रहे हैं, लिख लीजिए।